पराली जलाने से भारत को हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एक स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत में फसल कटने के बाद बचे हुए अवशेष को जलाने से भारत को हर साल कुल $3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पराली जलाने से आर्थिक नुकसान के अलावा इससे सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी होती रही हैं। अस्के फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के रिसर्चर्स ने अपनी खोज में पाया है, जिन शहरों में पराली जलाने के चलते वायु प्रदूषण ज्यादा है, उस इलाके के लोगों को सांस लेने संबंधी बीमारियां होने के ज्यादा आसार हैं। स्टडी के मुताबिक अनुमान है कि उत्तर भारत में फसल काटने के बाद बची हुई पराली को जलाने से स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर $3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, और ये ऐतिहासिक है। सैमुअल स्कॉट, रिसर्च फेलो IFPRI, प्रदूषित वायु पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम के सामने चुनौती बनकर उभर रही है। दिल्ली की हवा में कई बार इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सेफ्टी पैमाने से 20 गुना हो जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषित होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का चलन बढ़ा है, जो दिल्ली की हवा को दिनों दिन प्रदूषित किए जा रहा है। स्टडी के मुताबिक पराली जलाने से हर साल करीब $3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, भारतीय रुपए में जो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास है। ये प्रदूषण मुख्यतः उत्तर भारत के 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली फैलाते हैं। इस स्टडी में भारत के शहरी और ग्रामीण करीब 2.5 लाख लोगों का हेल्थ डेटा जुटाया गया। इस अध्ययन में नासा सैटेलाइट से भी डेटा जुटाया गया। नासा से भारत में फायर एक्टिविटी संबंधी डेटा जुटाया गया। जिन इलाकों में पराली जलाई जाती है उसके साथ आम इलाकों की तुलना भी की गई। प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने से नहीं हो रहा, बल्कि पटाखों जलाने से भी हो रहा है। पटाखे जलाने से करीब $700 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो करीब ₹50,000 करोड़ है। पिछले 5 सालों में पराली और पटाखे जलाने से कुल करीब $19,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो भारत की GDP का लगभग 1.7% हिस्सा है।